जब से रिचार्ज प्लान्स महंगा हुआ है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा लोग BSNL में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड दिखाने का रीज़न भी है ना, क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑपरेटर तो महंगा हो गया है, BSNL अभी के समय में ऐसा है कि यहाँ पे सस्ते रिचार्ज हैं BSNL में, एंड BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा नहीं किया है। तो ऐसे में क्या है ना कि ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि भाई क्या आपको अपने नॉर्मल सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, एंड भाई अगर आप पोर्ट करते हो तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BSNL में कौन से बेस्ट रिचार्ज प्लान्स आते हैं अगर आप नया BSNL का सिम कार्ड खरीदते हो या फिर अपने नॉर्मल सिम कार्ड को पोर्ट करके BSNL में जाते हो, तो कौन से प्लान्स हैं, एंड अगर आप ऑलरेडी BSNL यूज कर रहे हो तो इस समय कौन से यहाँ पे बेस्ट रिचार्ज प्लान्स रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप Amazon Flipkart से शॉपिंग करते हैं ना, तो आप भी मेरी तरह ऐसे सस्ते में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि ये ईयरबड सिर्फ 2000 रुपए का आता है, लेकिन हमने सिर्फ 1200 रुपए में खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स वाले ऑफर समय समय पे आते रहते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल टेक्निको डील्स पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स के बारे में जानना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। देखिए, अगर आप BSNL का नया सिम कार्ड लेने जा रहे हैं या फिर अपने नंबर को BSNL में पोर्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ 3 बेस्ट प्लान्स हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो है 108 रुपए का, जिसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, 1 GB पर डे डेटा, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको SMS की बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्लान में अगर आपको SMS भी करना होगा तो आप यहाँ पे टॉक टाइम रिचार्ज करके यहाँ पे आप मैसेज वाला सर्विस ले सकते हो। वैसे आज के डेट में सिर्फ UPI वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे SMS ज्यादातर लोग यूज करते हैं, एंड 10 रुपए आप डालोगे तो काम आपका हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक प्लान है 197 रुपीज का, इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 100 SMS भी पर डे मिलेगा, 70 दिनों की वैलिडिटी इस प्लान में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इस प्लान में यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिलता है ना, वो सिर्फ 15 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको टॉक टाइम रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे बात आप कर पाओगे। तो ये प्लान उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है जो यहाँ पे नंबर को चालू रखना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। डेटा तो आपको 2 GB पर डे मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हो। तो नया सिम कार्ड या फिर आप अपने नंबर को BSNL में पोर्ट कर रहे हो तो ये प्लान आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी तीसरा जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान है, एंड ज़्यादातर लोग आज के डेट में यही वाला प्लान यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे वो नया सिम कार्ड ले रहे हैं तब या फिर अपने नंबर को BSNL में पोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में ये प्लान बेस्ट है आपके लिए। प्लान जो है वो 249 रुपीज़ का है, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 100 SMS भी पर डे मिलेगा, साथ ही साथ 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, 45 डेज की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आता है। तो ये प्लान आप यहाँ पे ले सकते हो, एंड भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान है आज के डेट में। आप अगर नया सिम कार्ड लेने जा रहे हो या फिर अपने नंबर को पोर्ट करने जा रहे हो तो BSNL ऑफिस में और ये जो छतरी वाले भैया होते हैं ना, ये दोनों लोग यहाँ पे भाई यही वाला प्लान आपको देंगे। इससे कम वाला जो प्लान मैंने आपको बताया वो आप ऑनलाइन मोड से अगर सिम कार्ड ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये लोग नहीं देते हैं ये वाला प्लान। बाकी अगर आप BSNL का सिम कार्ड लेने जा रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी BSNL के यूज़र हो, तो आपको भाई यहाँ पे प्लान्स को बताने से पहले कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे BSNL में प्लान्स आते हैं ना जो कि अगर आप रिचार्ज कर लोगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके BSNL के नंबर का जब यहाँ पे प्लान ख़त्म होता है ना, तो 7 दिनों तक आपके नंबर की सर्विसेज चालू होती है इनकमिंग वाला, लेकिन वो जो 7 दिनों का पीरियड होता है BSNL बोलता है ये हमारे GP1 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लान्स आते हैं वो GP1 सब्सक्राइबर के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 दिनों के बाद यानी कि 8वें दिन से एंड 165 डेज तक जो भी ये पीरियड होता है ना, इसे बोलते हैं GP2 सब्सक्राइबर। यानी कि इस बीच में अगर आपके नंबर में रिचार्ज नहीं है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लान्स आते हैं, जैसे कि ये 139 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें यहाँ पे 1.5 GB डेटा आपको पर डे मिल जाएगा, 28 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा, लेकिन इस वाले प्लान में आपको SMS का बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता है। इवन यहाँ पे इनका एक और प्लान है जो कि आता है 1199 रुपए का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा, 24 GB का डेटा मिल जाएगा, 100 SMS पर डे और 336 यानी कि 336 दिनों की वैलिडिटी आपको इस वाले प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो प्लान है ये भी GP2 सब्सक्राइबर के लिए है। अब देखिए, यहाँ पे हमने पूरा लिस्ट तो बना के रखा है प्लान का जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि आपको अपने BSNL नंबर में भूल कर भी रिचार्ज नहीं करने हैं। जैसे कि आप लिस्ट देखो, यहाँ पे 184, 185 और 186 वाला ये जो प्लान है ना, इसमें भाई आपको सेम बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। आप देखो यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 GB डेटा पर डे, 28 डेज की वैलिडिटी आपको सभी प्लान में कॉमन देखने के लिए मिल रही है।
तो ये प्लान आप देखो ना कि यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट नहीं है, सब प्लान में आपको कॉमन बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो ये तीन प्लान तो आप भूल कर भी रिचार्ज मत करना, आगे कौन सा प्लान रिचार्ज करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट जो बनाया है ना वो ये देख के बनाया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे यूजर हैं जो अपने सिम कार्ड को बस चालू रखना चाहते हैं तो कौन सा उनके लिए प्लान है, एंड कुछ ऐसे यूजर हैं जो BSNL को सीरियसली यूज करना चाहते हैं, जिनको डेटा भी चाहिए, अनलिमिटेड कॉलिंग भी चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान भी चाहिए, तो पूरा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो 118 रुपए का है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 10 GB का डेटा मिलेगा और 20 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिलता है। इसमें आपको कोई भी SMS का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑलरेडी हमने बताया ना कि SMS अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है एंड आपको SMS का बेनिफिट चाहिए तो आप 10 रुपए का टॉक टाइम रिचार्ज कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो प्लान है वो 199 रुपीज का है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, 30 डेज की वैलिडिटी आपको इस वाले प्लान में मिल जाएगी और 100 SMS भी आपको इस वाले प्लान में पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इस प्लान में एक खास बात ये है ना कि अगर आप नए यूजर हो या फिर आप पुराने यूजर हो, दोनों लोगों के लिए ये वाला प्लान है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लान है 319 रुपए का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 10 GB का डेटा मिल जाएगा, 300 SMS मिल जाएगा और यहाँ पे 65 डेज की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आता है। तो मतलब जिन लोगों को कॉलिंग ज्यादा करना है वो ये वाला प्लान ले सकते हो, यहाँ पे आपको 65 डेज की वैलिडिटी मिल जाती है। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे है 699 रुपए का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 500 MB का डेटा आपको पर डे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 150 दिनों के लिए ये प्लान मिलेगा, यानी कि 5 महीने का प्लान है एंड 100 SMS भी आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो प्लान है ना, जो लोग सोचते हैं ना कि भाई हमें ज़्यादा दिनों तक अपने नंबर को चालू रखना है, वो यहाँ पे ये वाला प्लान ले सकते हैं एंड ये भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्लान है। नेक्स्ट जो प्लान है एंड फाइनल प्लान है वो है 1999 रुपये का प्लान, जो कि भाई 365 डेज की वैलिडिटी के साथ आता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा, 100 SMS पर डे आपको मिल जाएगा एंड इस वाले प्लान में आपको 600 GB डेटा आपको मिल जाएगा और सारा डेटा एक ही बार मिल जाएगा, डेली डेटा वाला सीन यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला भी प्लान काफ़ी ज़्यादा सही मुझे लगा, अगर आप साल भर के लिए यहाँ पे अपने BSNL नंबर में यहाँ पे रिचार्ज करने वाले हो। वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि भाई एक महीने वाला या फिर ये 65 डेज या फिर ऐसा कोई प्लान ही रिचार्ज करना, जिससे आपको पता लगे, मान लो आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो। इससे क्या होगा कि मान लो आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क अभी तो बढ़िया चल रहा है, एक महीने दो महीने बाद बढ़िया नहीं चलेगा तो यहाँ पे ये प्लान टोटली वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, तो इसलिए एक महीने वाला ही प्लान आप लेना। अब देखिए अगर आप BSNL के नंबर में यहाँ पे रिचार्ज करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करा है BSNL के सेल्फ केयर एप्लीकेशन में, जो यहाँ पे 699 वाला प्लान है या फिर 1999 वाला प्लान है या फिर ऐसे बहुत सारे रैंडम प्लान्स हैं, जिसमें BSNL यहाँ पे अपने ऐप से यहाँ पे रिचार्ज करने पे 2% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठा लेना अगर आप रिचार्ज करने जा रहे हो। एंड यहाँ पे क्या होता है, आज के टाइम में नॉर्मली सभी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म फ़ी हमें पे करना पड़ रहा है, बट BSNL ऐप पे यहाँ पे भाई 2% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है ना। तो आप अगर BSNL का रिचार्ज करने जा रहे हो तो वहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो। बाकी यार आपको अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड हाँ, एक बात ये बताओ आप कि आपको इनमें से कौन सा प्लान बढ़िया लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसी के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड भाई टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लेना अगर आपको डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानना हो।